लोगों का जो रिस्पांस है इस गर्मी में, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और हर बच्चे के दिमाग में एक ही बात है कि हमने 10 साल कांग्रेस को देख के देख लिए, 8.5 साल बीजेपी को देख लिए, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, दगा किया। मैं अभी आपके आने से पहले यूएसए का एक वीडियो देख रहा था, गो बैक के नारे नहीं, हैंग किया हुआ था मोदी को, और वो भी व्हाइट हाउस के सामने, केवल अखबार में और मीडिया से कोई आदमी पॉपुलर नहीं हो सकता। अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू होगी और ऐसा महागठबंधन बनेगा कि इसके आगे भाजपा जो ठहर नहीं पाएगी। भाजपा तो आज की तारीख में भी परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से सत्ता में नहीं रह सकता। आज मेरा 56वां विधानसभा क्षेत्र है, अब तक 55 करके आया हूँ, और करीब करीब 2300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया मैंने। एवरेज 10 गांव भी अगर आप रोज के मेरे मानो तो करीब 1150 से ऊपर गांव हो गए, और 14 हेडक्वार्टर हो गए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और इतने ही कोई 53-54 के करीब जो है आपके सब डिवीज़न हो गए। लोगों का जो रिस्पांस है इस गर्मी में, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। काफी भीड़, हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ चलते हैं। अब भी आप यात्रा में मेरे साथ थे, आपने देखा होगा, नौजवान लड़के जो हैं उनमें एक अलग उत्साह है, अलग जोश है, और बहुत बड़ी संख्या में सुबह से शाम तक मेरे साथ चलते हैं। और हर बच्चे के दिमाग में एक ही बात है कि हमने 10 साल कांग्रेस को देके देख लिए, 8.5 साल बीजेपी को देके देख लिए, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, दगा किया है। अगर नौजवानों को सबसे ज़्यादा किसी ने अहमियत दी, ताकत दी, तो चौधरी देवीलाल ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दी। अब फिर से नई पीढ़ी जो है, जिसको प्रगाड़ लिया था लोगों ने, उसको ये बात समझ में आ गई कि हमारा भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ है। मेरा इलाहाबाद का चुनाव था, देश के प्रधानमंत्री आए, देश का होम मिनिस्टर आया। लोग जब एक बार मन बना लेते हैं, लोग एक बार जब फैसला कर लेते हैं, फिर कितना ही बड़ा नेता आ जाए, बात नेता बड़ा होने से नहीं है, बात विश्वास की है। देश का प्रधानमंत्री अमरीका गया हुआ था, और यहाँ अखबारों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें छापी गई कि बहुत भव्य स्वागत हुआ। मैं अभी आपके आने से पहले यूएसए का एक वीडियो देख रहा था, गो बैक मोदी, गो बैक के नारे नहीं, हैंग किया हुआ था मोदी को, और वो भी व्हाइट हाउस के सामने, और बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग वहीं इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कि इसने हमारे देश का लोहा बेच दिया, मतलब आखिरी चीज जो थी वो भी इसने बेच दी, देश को कहाँ लेकर के जाएगा मोदी, केवल अखबार में और मीडिया से कोई आदमी पॉपुलर नहीं हो सकता। अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू होगी, अब देश का विपक्ष इकट्ठा होगा, और हर हालत में 2024 में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, सत्ता में नहीं रहेगी। हमने तो फतेहाबाद रैली से शुरुआत करी थी, आप लोग वहाँ मौजूद थे, इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी है। ये हर हालत में बनेगा, और ऐसा महागठबंधन बनेगा कि इसके आगे भाजपा जो ठहर नहीं पाएगी। भाजपा तो आज की तारीख में भी परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से सत्ता में नहीं रह सकती, क्योंकि सारा वोट जो है 35 से 37% मिला है, 63% वोट जो है भाजपा के खिलाफ है। अब वो इकट्ठा होगा और वो भाजपा को सत्ता से बाहर कर, जो भी सरकार होती है वो हर साल हमने क्या उपलब्धियां करी है, एक साल में हमने प्रदेश में क्या किया, देश में क्या किया, उसके बारे में अपनी सालगिरह मनाती है सरकार। इन्होंने हर साल जो है अपनी उपलब्धि बताने की बजाय, अब 9 साल बाद मैदान में आए क्योंकि चुनाव आ गया, अब ये हिंदू कार्ड भी खेलेंगे, अब ये राम मंदिर को बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, नई जनरेशन खास करके इस बात को बहुत अच्छे से मान गए कि केवल नारे और केवल झूठे वायदे और केवल झूठी शोहरत, केवल झूठी मीडिया के माध्यम से प्रशंसा,
से देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। अब तो विश्वास के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है, और अब लोगों का विश्वास जो है भाजपा से उठ चुका है, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी।